वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सर। आज की क्लास है हमारी स्पेशली MLHP कम CHO एग्ज़ाम के लिए। चाहे आपका किसी भी स्टेट के लिए एग्ज़ाम हो, जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें, जिससे कभी भी क्लासेस हो चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग उन क्लासेस को सीन कर सकें, देख सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर आपके 200 MCQs रहने वाले हैं। आपको लग रहा होगा कि हर एक स्टेट में CHO के एग्ज़ाम में 100 MCQs ही आते हैं, बट ऐसा नहीं है। आंध्र प्रदेश में जो लोग पेपर देने वाले हैं, स्पेशली आंध्र प्रदेश NHM CHO के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए, जो लोग झारखंड का एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए, वहाँ पर हमेशा 200 MCQs आते हैं एग्ज़ाम में। यूपी में 100 MCQs आते हैं, MP में 100 आएंगे, राजस्थान में भी 100 आएंगे। राजस्थान में आपको इसी मंथ के एंड तक है, जो हो सकता है ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी जाए CHO वैकेंसी की। तो यहाँ पर जो भी लोग इस पेपर्स को देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे 200 MCQs ऑफिशियल पेपर है, लेकिन इसको मैंने यहाँ पर ऑफिशियल पेपर इस तरीके से था, तो पूरा पेपर है जो टाइप फॉर्मेट में आपके लिए प्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगे, तो एंड तक ज़रूर बने रहें। और जिनका भी पेपर है उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। 28th को आपका GMCH का पेपर होने वाला है, GMCH चंडीगढ़ के लिए पेपर है आपका। आफ्टर दैट आपका NORSET एग्ज़ाम भी है, GIPMER के लिए एग्ज़ाम है। यूपी CHO की एग्ज़ाम डेट भी आई थिंक अनाउंस हो गई, आप लोग एक बार रीचेक कर लीजिए। और सभी पेपर्स आपको मैं बता दूं, आप किसी भी स्टेट का CHO का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी सभी से, आप किसी भी स्टेट का CHO का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आप आंध्र का दे रहे हों, आंध्र प्रदेश के लिए, यूपी के लिए, आप हर एक स्टेट के CHO पेपर ज़रूर चेक करना। आप हर एक स्टेट के ज़रूर CHO के पेपर चेक करना, क्योंकि क्वेश्चंस आपको है जो सेम आते हैं। यदि आपने 5 साल के MP के बस पेपर सॉल्व करके देख लिया, आप यूपी का पेपर देने बैठेंगे CHO का, आपको 30-40% सेक्शन वो पेपर कवर कर लेंगे 5 साल के पेपर। अब 5 साल में एटलीस्ट 2-2 बार तक पेपर हो जाते हैं, तो इस तरीके से आप किस सोचिए कितने क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो आपको पेपर्स जहां से भी अरेंज होते हैं, मैं नहीं कहूंगी कि आप इसी चैनल पर से देखिए, आपको अदर चैनल से अरेंज होते हैं, अदर सोर्स से अरेंज होते हैं, वहां से कीजिए। ऑफिशियल ऐप से आपको अवेलेबल है पेपर, आप वहाँ से ले सकते हैं। एज यू विश, जहाँ से भी आपको पेपर अरेंज हो आप, लेकिन उन पेपर्स को एक बार ज़रूर सॉल्व करके देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प रहेंगे पेपर्स। तो यहाँ पर एट प्रेजेंट अभी आपके यूपी के लिए पेपर्स अवेलेबल हैं, एमपी के पेपर्स अवेलेबल हैं, आंध्र का एक सिंगल पेपर अवेलेबल था 2019 का, और यहाँ पर CHO MLHP के जितने भी पेपर्स हैं राजस्थान के, वो सभी पेपर्स आपके लिए अरेंज हैं ऑफिशियल ऐप पर। और आप लोग अलग से भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पेपर्स को ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऑफिशियल पेपर है, पूरा 2019 का ऑफिशियल पेपर है, लेकिन यहाँ पर 200 MCQs थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सभी MCQs को टाइप फॉर्मेट में आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा, जिससे आपके लिए सब पेपर का फॉर्मेट इस तरीके से है, लेकिन यहाँ पर पूरे 200 MCQs टाइप किए गए हैं, इसीलिए आज इस क्लास को आपके लिए अपडेट किया जा रहा है। और जो भी लोग GMCH का पेपर दे रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग कल आफ्टरनून में रेडी रहिए, आपके लिए पूरे GMCH के पेपर एक ही क्लास में है जो सॉल्व करवा दिए जाएंगे। अभी मेरे पास 4 GMCH के पेपर हैं जिनका भी 28th को एग्ज़ाम है, वो लोग एक बार उन पेपर्स को देख के ज़रूर जाना। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द फोकस ऑफ एडोलेसेंट हेल्थ अकॉर्डिंग टू RMNCH प्लस ए इज ऑल एक्सेप्ट RMNCH प्लस ए प्रोग्राम, आपके लिए सेपरेट भी पढ़ाया है, RMNCH प्लस ए प्रोग्राम है जो इसके सभी पॉइंट्स पर फोकस करेगा किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पर कैंसर काउंसलिंग, एड्रेस टीनेज प्रेगनेंसी, स्ट्रेंथनिंग ARSH क्लीनिंग, या फिर मेंस्ट्रुअल हाइजीन। तो जो यहाँ पर RMNCH प्लस ए प्रोग्राम है, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड एडोलेसेंट हेल्थ, तो यहाँ पर प्लस ए का मतलब एडोलेसेंट हेल्थ, तो ये प्रोग्राम है, इसमें सभी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी किसी एक को छोड़कर। तो वो होगा यहाँ पर आपका कैंसर काउंसलिंग, क्या होगा कैंसर काउंसलिंग, जो यहाँ पर RMNCH प्लस ए प्रोग्राम है, यहाँ पर लॉन्च किया गया था फरवरी 2013 में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया था। एंड देन यहाँ पर इसकी लॉन्च डेट के अलावा आपको फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में आ सकता है,
फुल फॉर्म के अलावा यहाँ पर एक क्या क्या क्राइटेरिया इसके रहेंगे काम करने के, तो वो भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, तो ये किन चीज़ों पर काम करेगा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में यहाँ पर मैटरनल रिलेट करती हूँ, मैटरनल हेल्थ पर काम करेगा, न्यूबॉर्न की हेल्थ पर काम करेगा, चाइल्ड हेल्थ पर भी काम करेगा, एडोलेसेंट हेल्थ पे काम करेगा। तो आपको एक बार पूरा RMNCH है जो प्रॉपर पढ़ के जाना है, कुछ भी आपको आ सकता है। RMNCH की सेपरेट क्लास भी ली गई थी, तो आप उसको एक बार है जो चेक कर सकते हैं। तो RMNCH प्लस ए प्रोग्राम में से आपको 3-4 क्वेश्चन तक आते हैं, और इसी पेपर में भी आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे 200 क्वेश्चन में से। तो RMNCH की लॉन्चिंग डेट, फुल फॉर्म, प्लस ए का मतलब क्या है, कंटिन्यूम केयर, सभी में इसी में आएंगे सब, तो आपको एक बार उनको रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, क्वेश्चन है यहाँ पर, एन अनकॉन्सियस चाइल्ड रिक्वायर इंटरमिटेंट नेसोगैस्ट्रिक फीडिंग, व्हेन शुड द नर्स चेक प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब। तो यहाँ पर यदि किसी बच्चे को, बच्चा क्या है, अनकॉन्सियस है, उसके लिए क्या है, NG फीडिंग की ज़रूरत है, नेसोगैस्ट्रिक फीडिंग करवाई जानी है, तो आप कैसे पता करेंगे या फिर कितने बार चेक करेंगे कि बच्चे में नेसोगैस्ट्रिक फीडिंग हो रही है, जो ट्यूब है वो प्रॉपर है या नहीं। वंस अ डे एट एवरी शिफ्ट चेंज बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द ईच फीडिंग या फिर ड्यूरिंग द नाइट शिफ्ट फॉर और द मॉर्निंग रिपोर्ट। तो यहाँ पर आप यदि बच्चे में नेसोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन या फिर फीडिंग करवाई जा रही है, यहाँ पर फीडिंग की बात हो रही है, नेसोगैस्ट्रिक फीडिंग हो रही है यदि बच्चे में, तो यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी कि जब भी आप बच्चे को फीड करवाने वाले हों, उसके पहले एक बार आपको चेक कर लेना है कि ट्यूब प्रॉपर जगह पर है या नहीं। क्या है, ट्यूब प्रॉपर जगह पर है या नहीं। नेक्स्ट है यहाँ पर, द एक्टिविटी ऑफ एडोलेसेंट हेल्थ ऑपरेट एट विच 4 लेवल्स। तो एडोलेसेंट हेल्थ है जो, इसकी 4 लेवल की एक्टिविटी होती है। एडोलेसेंट हेल्थ में 5 से 10 क्वेश्चन तक आपको आते हैं, 5 क्वेश्चन तो आपके रखे हुए मिलेंगे आपको, चाहे किसी भी स्टेट का CHO पेपर दे रहे हो एडोलेसेंट हेल्थ से। तो एडोलेसेंट हेल्थ में जो 4 लेवल हो एक्टिविटी होगी वो कौन से लेवल होंगे, इंडिविजुअल, फैमिली, स्कूल एंड कम्युनिटी, इंडिविजुअल, होम, हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी, फैमिली, कॉलेज, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, या फिर इंडिविजुअल, होम, स्कूल एंड कम्युनिटी। तो कौन से 4 पिलर्स लेवल होंगे, तो वो यहाँ पर लेवल होंगे आपके इंडिविजुअल, फैमिली, स्कूल एंड कम्युनिटी। ये क्या है, एडोलेसेंट हेल्थ कोऑपरेट करने के लिए 4 पिलर्स या फिर 4 लेवल्स है जो कहे गए हैं। तो यहाँ पर जो भी लोग हैं, आप कोई सा भी पेपर दे रहे हैं, तो एडोलेसेंट हेल्थ के आपको क्वेश्चन आएंगे, तो आपको पढ़ के जाना है। यहाँ पर 4 लेवल, इंडिविजुअल मतलब जो पर्सन है वो, आपकी फैमिली, आपका स्कूल और आपकी कम्युनिटी, ये 4 लेवल हो जाएंगे जो एडोलेसेंट हेल्थ को प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, एडोलेसेंट का मतलब है किशोरावस्था, हिंदी में कहें तो। लास्ट टाइम राजस्थान का पेपर प्योरली हिंदी में आ गया था, तो इस बार भी जो लोग राजस्थान का पेपर देंगे, क्योंकि आपको हो सकता है 8 से 10 दिन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाए, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन भी रेडी रखिए। क्वेश्चन है यहाँ पर, केयर ऑफ मदर ड्यूरिंग डिलीवरी इज कॉल्ड। डिलीवरी के टाइम पर, ड्यूरिंग द डिलीवरी, जो माँ की केयर की जाएगी वो क्या कहलाएगी, पोस्टनेटल केयर, एंटीनेटल केयर, इंट्रानेटल केयर या फिर प्रीनेटल केयर। तो यहाँ पर जो केयर माँ की ड्यूरिंग द डिलीवरी के टाइम पर की जाएगी वो कहलाएगी इंट्रानेटल केयर। ड्यूरिंग का मतलब है यहाँ पर लेबर के टाइम पर, ड्यूरिंग डिलीवरी हो रही है तो इंट्रानेटल केयर, एंटीनेटल और प्रीनेटल केयर का मतलब है बिफोर डिलीवरी। बिफोर डिलीवरी जो जेस्टेशन कंसीव करने से लेकर डिलीवरी होने के पहले तक का पीरियड कहलाएगा, एंटीनेटल केयर में आएगा आपका। और आफ्टर डिलीवरी जो केयर होगी वो कहलाएगी पोस्टनेटल केयर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द डिलीवरी जो केयर हो रही है वो क्या होगी, इंट्रानेटल केयर। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर फॉर्म आ स्पेक्ट्रम ऑफ एबनॉर्मिलिटीज एक्सेप्ट। तो आयोडीन की कमी से बहुत सारे एबनॉर्मिलिटीज होंगी, किसी एक को छोड़कर, डीफ, म्यूटिज्म, ग्वाइटर या फिर नेक रिजिडिटी। तो यहाँ पर डीफनेस भी देखने को मिलेगी आपको, म्यूटिज्म भी होगा, ग्वाइटर भी होगा, लेकिन नेक रिजिडिटी मेनली कब होगी, जब आपको या तो मेनिनजाइटिस हुई हो या फिर आपका जो ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो, और आपकी नेक में रिजिडिटी मेनली तभी देखने को मिलेगी, स्पेशली मेनिनजाइटिस में क्लासिकल साइन है। तो लेकिन आयोडीन की कमी से आपको नेक रिजिडिटी नहीं होगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द फॉलोइंग सिम्टम्स आर सीन आफ्टर मेनोपॉज एक्सेप्ट।
तो सभी सिम्टम मेनोपॉज दैट मीन्स परमानेंट सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंसेस साइकिल आना ही बंद हो जाए आफ्टर 45 ईयर के बाद, किसी की 45 के बाद होती, किसी की 50 के बाद। तो यहाँ पर सभी साइन देखने को मिलेंगे किसी एक को छोड़कर। टैकीकार्डिया, एट्रोफिक वेजाइनाइटिस, ब्रैडीकार्डिया या फिर हॉट फ्लशेस। तो हॉट फ्लशेस तो क्लासिकल साइन माना जाता है जब पीरियड्स आना स्टॉप हो जाते हैं, एस्ट्रोजन का लेवल है जो कम होने लगता है, इसीलिए होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, हॉट फ्लशेस आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो नहीं होगा वो क्या होगा, ब्रैडीकार्डिया। क्या होगा, ब्रैडीकार्डिया। हार्ट कितनी हो जाए 60 से भी कम आ जाए तो वो कहलाएगा ब्रैडीकार्डिया। तो ब्रैडीकार्डिया देखने को नहीं मिलेगा, टैकीकार्डिया होगा, एट्रोफिक वेजाइनाइटिस होगा, हॉट फ्लशेस आएंगे, ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा थकावट होगी। ये सभी क्या है, मेनोपॉज के सिम्टम्स हैं, लेकिन जो नहीं हो क्या है, ब्रैडीकार्डिया। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द हैबिट्स। तो आपकी आदतों को, हैबिट्स के लिए क्या डिस्क्राइब करेगा। इट इज़ सीन इन ह्यूमन बीइंग ओनली, इट रिक्वायर्स एफर्ट्स, इट इज़ लर्नड और एक्वायर्ड थ्रू द रिपीटेशन, या फिर इट इज़ बेस्ड ऑन मैच्यूरेशन। तो आपकी आदतें हैं, जो आपकी आदतें हैं, हैबिट्स हैं, तो आपकी रिपीटेशन पर डिपेंड करेंगी। मान लीजिए आपकी हैबिट है डेली उठ के चाय पीना, कॉफ़ी पीना, ग्रीन टी पीना, तो आपकी वो हैबिट एक दिन में तो नहीं बनी है। आप जब 6-7 साल के रहे होंगे, आपके फैमिली वालों ने आपको चाय पिलाना स्टार्ट की, तब से आपने पीना स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या होगा, रिपीटेशन के थ्रू आएगी, आपने रिपीट होते होते सीखा है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इट इज़ लर्न और एक्वायर्ड थ्रू द रिपीटेशन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ कैंसर हैज़ बीन शोन टू हैव अ वायरल कॉज। तो कौन सा कैंसर का टाइप है यहाँ पर, कौन सा कैंसर है जो वायरल कॉज के कारण देखने को मिलेगा, रीजन वायरल हो सकता है। सेरिब्रल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या फिर टेस्टिकुलर कैंसर। कौन सा कैंसर है जिसका कॉज है वायरल है, तो वो है यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर। क्यों, क्योंकि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस क्या है, जो HPV वायरस है, जो कॉज किसके लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन भी कहा गया है कि कौन सा कैंसर का फॉर्म है जो वायरल कॉज के कारण होगा, वायरस के कारण होगा, रीज़न क्या होगा वायरस, तो वो है सर्वाइकल कैंसर, और ये होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के द्वारा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो कॉन्ट्रासेप्शन की मैकेनिकल मेथड और बैरियर मेथड कौन सी है, कॉन्डोम, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वैसेक्टोमी या फिर माला डी। तो माला डी तो आ जाएगा आपका, ये मैकेनिकल में नहीं आएगा, ये पिल्स में आ जाएगा। कॉन्डोम आ जाएगा आपका किस में, मैकेनिकल और बैरियर मेथड में। वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी आपका आएगा किस में, परमानेंट मेथड में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, कॉन्डोम। कॉन्डोम ही एक ओनली ऐसी सिंगल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से बचा सकती है, बाकी इसमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, मीजल्स इज स्प्रेड बाय। तो मीजल्स किसके थ्रू होगा, तो मीजल्स स्प्रेड होगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू। किसके थ्रू, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, सोयाबीन, एग, ऑयल्स या फिर नट्स। तो प्रोटीन के लिए बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है प्रोटीन, और जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें जो कैलोरी होती है वो भी एग्जाम में आती है, तो 4 कैलोरी पाई जाती है, फैट में पूछें तो 9 कैलोरी। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में सेम रहती है लेकिन फैट में 9। यहाँ पर रिचेस्ट सोर्स है वो क्या है, सोयाबीन। क्या होगा, सोयाबीन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द रिकमेंडेड मैक्सिमम लेवल ऑफ नॉइज टॉलरेबल फॉर नॉर्मल ह्यूमन ईयर इज। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के, जो आप हैं, हम हैं, तो कितना नॉइज टॉलरेट कर सकते हैं, इसके बाद है जो आपको कानों में प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगी। तो नॉइज लेवल को हम किस में नापेंगे, जो वैल्यू कहलाएगी वो कहलाती है डेसीबल। क्या होगी, डेसीबल, और डीबी यहाँ पर टर्म यूज़ करेंगे हम, 50 डेसीबल, 85 डेसीबल, विटामिन डी या फिर 110 डेसीबल। तो जो नॉइज टॉलरेट करने की, शोर सहन करने की क्षमता होती है ह्यूमन बीइंग के कान में, कितनी होती है, 85 डेसीबल। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द ऑब्जेक्ट और आर्टिकल्स कंटामिनेटेड बाय HIV कैन बी डी कंटामिनेटेड यूजिंग। यदि कोई ऑब्जेक्ट और आर्टिकल HIV वायरस के थ्रू कंटामिनेट हुआ है, तो उसको हम कैसे डी कंटामिनेट करेंगे, मेथेनॉल से, सोडियम हाइपोक्लोराइड से, ग्लूटेनाल्डिहाइड से या फिर फॉर्मेल्डिहाइड से। तो जो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डी कंटामिनेट करने के लिए, वो होगा सोडियम हाइपोक्लोराइड। कोविड के लिए पूछें तब भी सोडियम हाइपोक्लोराइड।
यदि जितनी भी जो ट्यूब्स होती हैं उनको क्लीन करने पूछे तो 2% ग्लूटराल्डिहाइड, ओटी को फ्यूमिगेट करने के लिए पूछे तो फॉर्मेल्डिहाइड गैस है जो यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर साइड इफेक्ट ऑफ एसेंशियल फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स आइसोनियाजिड एक्सेप्ट। तो आइसोनियाजिड जो कि फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है उसके सभी साइड इफेक्ट हैं किसी एक को छोड़कर, कॉप्लिक स्पॉट, स्किन रैसेस, हेपेटाइटिस या फिर पेरीफेरल न्यूरोपैथी। तो यहाँ पर क्या है जो देखने को नहीं मिलेगा, क्या है जो टीबी की जो ड्रग है आइसोनियाजिड फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है क्या है जो देखने को नहीं मिलेगा? यहाँ पर ऑप्शन में है कॉप्लिक स्पॉट, स्किन रैसेस, हेपेटाइटिस या फिर पेरीफेरल न्यूरोपैथी। तो स्किन रैसेस देखने को मिलेंगे, हेपेटाइटिस होगा, पेरीफेरल न्यूरोपैथी क्लासिकल साइड इफेक्ट है आइसोनियाजिड का, लेकिन जो नहीं होगा वो होगा कॉप्लिक स्पॉट। कॉप्लिक स्पॉट कॉम्प्लिकेशन है किसमें देखने को मिलता है, मीजल्स में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर क्वेश्चन, द मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी इंटरनल स्टेट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर है कि मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी इंटरनल स्टेट के लिए क्या कहेंगे हम, होमियोस्टेसिस, अराउजल, इंस्टिंक्ट या फिर सेंसेशन सीकिंग। तो टर्म यहाँ पे यूज किया जाएगा वो होगा होमियोस्टेसिस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर केमिकल सब्सटेंस यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग द वाटर। तो वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए कौन सा केमिकल सब्सटेंस यूज किया जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, लाइम या फिर फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ पर जो यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पर आपका ब्लीचिंग पाउडर, क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है यहाँ पर डायबिटीज मेलाइटिस रिलेटेड टू इम्पेयरमेंट इन मेटाबॉलिज्म। बहुत ही ईजी पेपर आया हुआ था जो पेपर है, तो डीएम है किसकी इम्पेयरमेंट के मेटाबॉलिज्म के कारण होगा, डिस्टर्बेंस के, फैट के, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के कि विटामिन के। तो डायबिटीज मेलाइटिस होगा कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में जब इम्पेयरमेंट देखने को मिलेगा तब। नेक्स्ट वन है यहाँ पर व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू डायरिया। तो डायरिया के कारण, लूज मोशन के कारण जो कॉमन डेथ का रीजन है वो क्या है, एब्डोमिनल पेन है, लेथार्जी है, वॉमिटिंग या फिर डिहाइड्रेशन है, सभी साइन देखने को मिलते हैं, लेकिन डेथ होती है हमेशा डिहाइड्रेशन के कारण, किसके कारण, डिहाइड्रेशन के कारण। नेक्स्ट वन है यहाँ पर इन प्रेगनेंसी किट टेस्ट वुमेन इन सेज टू बी प्रेगनेंट इफ। जो हम प्रेगनेंसी टेस्ट किट देखते हैं तो यहाँ पर जब यूपीटी किया जाता है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, कितनी लाइन आएंगी उस किट में पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। टू लाइन अपीयर, टू लाइन्स वेयर वन इज नॉट क्लियर अपीयर, सिंगल लाइन अपीयर या फिर नो बैंड अपीयर। तो यदि सिंगल आती है तो प्रेगनेंसी क्या है, नेगेटिव, दैट मीन्स यू आर नॉट प्रेगनेंट। यदि टू लाइन्स आती हैं पिंक कलर की तो हो गए आप प्रेगनेंट, पॉजिटिव। ये देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर किट की इमेज डाली हुई है जिससे आपको ये याद रहे। और यदि टू लाइन दिखती हैं लेकिन जिसमें से एक क्लियर नहीं है, दैट मीन्स आपकी आप प्रेग्नेंट हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते, हो सकता आपको कुछ और इंटरनल प्रॉब्लम हो जिसके कारण, हार्मोनल चेंजेस के कारण लाइन आपको आ गई हो, लेकिन प्रेगनेंसी में जो दो लाइन है नॉर्मली क्लियर आपको दिखाई देंगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर ए स्पर्मिया इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब। तो यहाँ पर ए स्पर्मिया, ए का मतलब तो होगा एब्सेंस। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या एब्सेंस है, स्पर्म मोर्टिलिटी, एब्सेंस ऑफ सीमेन, एब्सेंस ऑफ स्पर्म या फिर प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म। तो यहाँ पर क्या है जो ए स्पर्मिया का मतलब है, ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने हैं। तो ए स्पर्मिया का मतलब है यहाँ पर एब्सेंस ऑफ स्पर्म, क्या है, एब्सेंस ऑफ स्पर्म। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, ए स्पर्मिया, इजो स्पर्मिया, तो आपको इन सभी के नाम और टर्मिनोलॉजीज याद करके जाना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि यदि मोर्टिलिटी कम है स्पर्म की, मोर्टिलिटी कम है स्पर्म की, या फिर स्पर्म है लेकिन स्पर्म में सीमेन नहीं है, तो ये चीज़ें आपको एग्जाम में आती हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम एम्स एट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल एक्सेप्ट। तो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम में क्या है, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम में सभी डिसीज को इंक्लूड किया गया है किसी एक को छोड़कर,
ऑप्शन में मलेरिया एंड डेंगू, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस एंड चिकनगुनिया, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस एंड कालाजार, या फिर स्वाइन फ्लू एंड टिटनेस। तो जो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम है, इसमें जो चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, लॉन्च हुआ था 2003 में, कब 2003 में इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू। यहाँ पर टोटल 6 डिसीज हैं, एक जिसके इसी प्रोग्राम को अम्ब्रेला प्रोग्राम भी कहा जाता है, जिसमें लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, काला आजार, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, चिकनगुनिया, डेंगू है जो यहाँ पर, और साथ में मलेरिया ये ऐड किए गए हैं, और जो नहीं है वो क्या है, स्वाइन फ्लू एंड टिटनेस। क्या है? स्वाइन फ्लू और टिटनेस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द बेस्ट मेथड टू डिस्पोज ऑफ हॉस्पिटल, डिस्पोज करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सी, इंसिनरेशन मतलब जलाना, डंपिंग मतलब जमीन के अंदर गड्ढा खोद के गाड़ना, बर्निंग या फिर कंपोस्टिंग। जो बेस्ट मेथड है हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्पोज करने की वो इंसिनरेशन। क्या है? इंसिनरेशन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर क्वेश्चन, टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन द डाइट ऑफ प्रेग्नेंट वूमेन शुड बी रिच इन। तो यदि आप किसी प्रेग्नेंट वूमेन के लिए डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं यदि उसको कॉन्स्टिपेशन है तो कौन सी डाइट है जो उसको अवॉइड करने के लिए कहेंगे, सॉरी कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है तो कौन सी डाइट लेने के लिए कहेंगे, आपकी किस्मत सबसे ज़्यादा क्या लेंगे, चपाती लेने के लिए, अंडे खाने के लिए बोलेंगे, राइस खाने के लिए बोलेंगे, कि सलाद और फ्रूट्स खाने के लिए बोलेंगे। तो यदि किसी प्रेग्नेंट वूमेन की आप डाइट बताते हैं और उसको कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करवाना है कि कॉन्स्टिपेशन ना हो, तो आप कहेंगे उसको सलाद लीजिए और फ्रूट्स लीजिए। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, अ वूमेन हैड फर्स्ट टीटी डोज एट 4 months, सी नाउ कम्स बैक फॉर चेकअप एट 8 months, व्हाट विल यू डिसाइड ऑन गिविंग टीटी इंजेक्शन। तो यदि किसी प्रेग्नेंट वूमेन को, जब वो 4 months प्रेग्नेंट थी, जब उसको टीटी का पहला शॉट है जो लग चुका है, डोज लग गया है, दोबारा से आई है, उसका 8वां महीना चल रहा है, क्या है, एट 8 months में आई है, तो यहाँ पर आप टीटी इंजेक्शन के लिए क्या डिसाइड करेंगे, गिव हर द टीटी इंजेक्शन ऑफ डबल स्ट्रेंथ, गिव हर 2 more doses एट गैप ऑफ 15 days, डू नॉट गिव हर टीटी इंजेक्शन, गिव हर द सेकेंड डोज ऑफ टीटी इंजेक्शन। फर्स्ट थिंग है यहाँ पर कि टीटी का जो डोज दिया जाता है प्रेगनेंसी में, तो 2 डोज दिए जाते हैं, कितने 2 दिए जाते हैं, और एवरी मंथ के 1 महीने के गैप में दिए जाते हैं। लेकिन यदि किसी ने पहला इंजेक्शन 4 महीने की प्रेगनेंसी में लगवाया, किसी भी रीजन से चेकअप के लिए नहीं आई, 8वें महीने में गई, तो दोबारा आप उसको सेकेंड डोज है जो देंगे, क्या करेंगे, गिव हर द सेकेंड डोज ऑफ टीटी इंजेक्शन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द टाइम इंटरवल बिटवीन द एंट्री ऑफ द डिसीज एजेंट इन टू द बॉडी एंड द अपियरेंस ऑफ द फर्स्ट साइन और सिम्टम ऑफ द डिसीज, इट्स नोन एज द, जब आपकी बॉडी में कोई भी डिसीज एजेंट एंटर हो गया, आपकी बॉडी ने पहले लक्षण दिखाए, साइन सिम्टम्स हो किए, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इनक्यूबेशन पीरियड, क्या कहलाएगा, इनक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका, आफ्टर द फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी द चीफ सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन इज द, तो फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी में चीफ सोर्स क्या होगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन के लिए, प्लेसेंटा, कॉर्पस ल्यूटियम, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो इनिशियल प्रेगनेंसी में जो जो प्रोजेस्ट्रॉन है कौन रिलीज करता है, कॉर्पस ल्यूटियम, लेकिन आफ्टर द फर्स्ट 3 months, 3 महीने होगा उसके बाद कौन करेगा, ये प्लेसेंटा। इनिशियल प्रेगनेंसी पूछे तो कॉर्पस ल्यूटियम, लेकिन यहाँ पर आफ्टर 3 months के बाद पूछा है, फर्स्ट 3 months की प्रेगनेंसी के बाद, तो है प्लेसेंटा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, FHR शुड बी चेक फॉर, तो जो फीटल हार्ट रेट हम चेक कर रहे हैं तो एटलीस्ट कितने टाइम के लिए करना चाहिए, 5 seconds, 60 seconds, 30 seconds या फिर 10 seconds। तो फीटल हार्ट रेट हमें 1 मिनट तक, कितना, 1 मिनट और 60 seconds तक चेक करनी है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, डेंटल कैरीज इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो डेंटल कैरीज किसके कारण होंगी, आप अपने दांत देख सकते हैं मिरर में, आपको पता चलेगा डेंटल कैरीज है क्या, जो येलो टाइप से आपको दिखाई देगा वो क्या है, डेंटल कैरी है। तो यहाँ पर किसके कारण जमेगी आपके दांतों में, किसकी कमी से होगा ये, कॉपर की, फ्लोरिन की, आयरन की या फिर आयोडीन की, तो होगा फ्लोरिन की कमी के कारण। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वैक्सीन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर, तो सर्वाइकल कैंसर के लिए जो वैक्सीन है वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, कौन सी है, HPV वैक्सीन।
क्योंकि इसका कॉज ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, अब इसके लिए वैक्सीन दी जाएगी, तो उसका नाम क्या है? HPV वैक्सीन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज ऑफ मैटरनल डेथ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इज, तो चाइल्ड बर्थ के टाइम पर जो मैटरनल डेथ का मोस्ट कॉमन रीजन है वो क्या है? हेमरेज, टॉक्सेमिया, सेप्सिस या फिर एस्फेक्सिया। तो जो मोस्ट कॉमन कॉज है मैटरनल डेथ का ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ वो है यहाँ पर हेमरेज। कौन सा है? हेमरेज। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, तो इनमें से कौन सी है जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? सलाइवरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड या फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है वो कौन सी है? वो है सलाइवरी ग्लैंड। कौन सी है? सलाइवरी ग्लैंड, क्योंकि हार्मोन को रिलीज नहीं करती है, बाकी पिनियल करती है, थाइमस करेगी, पैराथायरॉयड करेगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, पेनफुल एंड प्रोफाउंडली स्वालोइंग लिम्ब आर लॉन्ग टर्म फिजिकल कंसिक्वेंस ऑफ, तो यदि लंबे टाइम से यदि आपको कोई बीमारी है, फिजिकल कंसिक्वेंस का मतलब है परिणाम होंगे, नतीजे आएंगे जो पुरानी किसी बीमारी के कारण है, आपके लिम्ब है स्पेशली जो पैर है क्या होंगे? स्वेलिंग देखने को मिलेगी, पेनफुल होंगे, तो वो किस में होंगे? लिम्फेटिक फाइलेरियासिस में, येलो फीवर में, मलेरिया में या फिर डेंगू में, तो ये देखने को मिलेंगे आपको लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के पेशेंट में। नेक्स्ट वन, प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी टेस्टेड फॉर विच इन्फेक्शन, तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कौन कौन से इन्फेक्शन के लिए टेस्ट करवाया जाता है? HIV, हेपेटाइटिस सी एंड सिफिलिस, HIV, हेपेटाइटिस बी एंड सिफिलिस, HIV, हेपेटाइटिस ए एंड सिफिलिस या फिर HIV, हेपेटाइटिस सी एंड सिफिलिस। तो प्रेग्नेंट वूमेन में जो टेस्ट करवाया जाता है, ए और ई तो होगा फीकोरल रूट से, तो इसको करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हेपेटाइटिस बी टेस्ट करवाया जाएगा, HIV करवाया जाएगा, सिफिलिस करवाया जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही बहुत, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस डिसीज़ है, बेबी को भी अफेक्ट करेंगी, तो इसीलिए तीनों टेस्ट हैं जो करवाए जाएंगे, HIV, हेपेटाइटिस बी एंड सिफिलिस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ चेस्ट कंप्रेशन फॉर एन एडल्ट, तो जब आप CPR देते हैं तो चेस्ट कंप्रेशन में कितने डेप्थ तक देंगे? तो आप ये देंगे यहाँ पर 4 to 6 centimeter तक, कितना? 4 to 6 centimeter, इंच में भी आपको आ सकता है। नेक्स्ट वन, गोइटर इज कॉज ड्यू टू डेफिशियंसी ऑफ, तो गोइटर किसकी कमी के कारण होगा? फ्लोरीन, आयरन, कॉपर या फिर आयोडीन। तो गोइटर होगा यहाँ पर घेंगा रोग, किसके कारण होगा? आयोडीन की कमी के कारण। नेक्स्ट वन, सेक्स रेशियो इज अ, तो सेक्स रेशियो, अब आप यदि सेक्स रेशियो की बात हो रही है तो आप जिस भी स्टेट का पेपर दे रहे हैं वहाँ के आपको वाइटल स्टैटिक्स पता होना चाहिए, IMR, सेक्स रेशियो, इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट, MMR, ये आपको एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे। सेक्स रेशियो का मतलब होगा नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स, पहली बार हुआ है कि फीमेल ज़्यादा हो गई हैं मेल के कंपेयर में, अभी तक ऐसा नहीं होता था। सेक्स रेशियो का मतलब है नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इंफॉर्मेशन गिवन बाय द पेशेंट अबाउट हिज इलनेस विच इज़ नॉट विजिबल आर कॉल्ड, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पेशेंट बता रहा है अपनी बीमारी के बारे में, जो एग्जामिनर उसको वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, तो क्या कहलाएगा? डायग्नोसिस, सिम्टम्स, प्रोग्नोसिस या फिर साइन। तो जो पेशेंट एक्सप्लेन कर रहा है लेकिन डॉक्टर और नर्स को नहीं दिख रही है, नॉट विजिबल है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएंगे सिम्टम्स। वो जो डॉक्टर देख रहा है वो क्या कहलाएंगे? साइन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, हेमलिच मैन्यूवर इज यूज्ड, हेमलिच मैन्यूवर किसके लिए यूज़ किया जाता है? टू इम्प्रूव द सर्कुलेशन, टू स्टिमुलेट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, टू एक्सपेल फॉरेन बॉडीज इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फिर टू इम्प्रूव द लंग कैपेसिटी। तो हेमलिच मैन्यूवर यूज़ किया जाता है जब आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ भी फॉरेन बॉडीज, फॉरेन मटेरियल फंस जाए, तो उसको बाहर निकालने के लिए हेमलिच मैन्यूवर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज सेलिब्रेटेड, तो ये एवरी ईयर हम अगस्त के फर्स्ट वीक में सेलिब्रेट करते हैं, हर साल अगस्त के पहले हफ्ते में हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, रेबीज इज़ अ फैटल वायरल डिसीज ऑफ, रेबीज एक बहुत ही खतरनाक वायरल डिसीज़ है, किस सिस्टम को अफेक्ट करेगी? स्केलेटल, कार्डियोवैस्कुलर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर मस्कुलर सिस्टम। तो रेबीज अफेक्ट करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, क्योंकि यहाँ पर नेग्री बॉडीज भी बनाने का काम करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है नेग्री बॉडी देखने को मिलती है किसमें? रेबीज में। और रेबीज ही को क्या कहलाया जाता है?
रेबीज का जो एक क्लासिकल साइन होता है वो होता है हाइड्रोफोबिया, और इन्फेक्टेड डॉग या फिर कैट के बाइट करने के कारण होगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर कॉमनेस्ट ऑब्स्ट्रेटिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड। तो कॉमनली जो ऑब्स्ट्रेटिकल ऑपरेशन होता है वो कौन सा होता है, पेरिनियल टीयर होगा, एपिजियोटॉमी होगा, पेरिनियोरेफी होगा, या फिर वल्वर टीयर होगा। तो जो कॉमन ऑब्स्ट्रेटिक ऑपरेशन किया जाता है वो होता है एपिजियोटॉमी। कौन सा होता है, एपिजियोटॉमी, जब बेबी का हेड है जो सर्वाइकल डायलिटेशन के बाद बाहर आता है तो फंसने के कारण यहाँ पर वेजाइना और जो एनल एरिया है उसके बीच में, पेरिनियम के बीच में कट लगाया जाता है, तो उसको कहा जाता है एपिजियोटॉमी और पेरिनियोटॉमी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विजिबल पेरिस्टेल्सिस मे बी सीन इन। तो विजिबल पेरिस्टेल्सिस किस में देखने को मिलेंगे, ऑप्शन में है यहाँ पर कंजनाइटल मेगाकोलन, पाइलोरिक स्टेनोसिस, पेरिटोनाइटिस या फिर कॉन्स्टिपेशन। तो किस में देखने को मिलेंगे विजिबल पेरिस्टेल्सिस, फिर देखने को मिलेंगे विजिबल पेरिस्टेल्सिस का मतलब है यहाँ पर बेब लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन आएंगे जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या करेंगे, फूड को इधर से उधर करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, पेरिस्टेल्सिस। वही देखने को मिलेंगे पाइलोरिक स्टेनोसिस में, इसी में जो फोर्सफुल वॉमिटिंग होती है वो भी इसी में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो मसल्स में इंटेस्टाइन में जो मोशन होगा जिसमें फूड अचानक से आगे पीछे होगा, रिगर्जिटेट टाइप से होगा, वो देखने को मिलेगा आपको पाइलोरिक स्टेनोसिस में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेसिंग ऑफ यूज इंस्ट्रूमेंट। तो यदि आप किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने वाले हों तो उसके सबसे पहले जो पहला स्टेप होगा वो कौन सा होगा, स्टरलाइजेशन का, क्लीनिंग का, स्टोरेज का, फिर डिकंटमिनेशन का। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट आर्टिकल आप यूज़ करते हैं तो फर्स्ट स्टेप होगा आपका कि उसको आप क्या कर लें, डिकंटमिनेट कर लें, क्या करना है, डिकंटमिनेशन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर ब्रेक इन द बोन विदाउट ब्रेक इन द स्किन। हड्डी टूट गई लेकिन स्किन वहीं की वहीं लगी है, कुछ भी ना, ब्लीडिंग हो रही है, कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, तो क्या कहलाएगा, कंप्लीट फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर या फिर क्लोज फ्रैक्चर। स्किन क्लोज है, नो इंटैक्ट, लेकिन बोन टूट गई, हड्डी टूट गई अंदर की, तो वो क्या कहलाएगा, कहलाएगा क्लोज्ड फ्रैक्चर। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द नर्स इज असेसिंग अ 6 month ओल्ड चाइल्ड फॉर डेवलपमेंटल स्किल्स। विच ऑफ दी फॉलोइंग आर नॉर्मल एंड शुड बी एक्सपेक्टेड। तो एक नर्स है जो 6 महीने के बच्चे के डेवलपमेंटल के लिए असिस कर रही है, चेक कर रही है कि उसका डेवलपमेंटल माइलस्टोन है वो किस तरीके का है, क्या चीज़ें जो 6 महीने के बच्चे में देखने को मिलेगी, क्या एक्सपेक्ट करेंगे। पुलिंग अप टू स्टैंडिंग पोजिशन, सिट्स अलोन, कैन फीड सेल्फ विद अ स्पून, स्पीक्स इन शॉर्ट सेंटेंस। तो बच्चा 6 महीने में ना तो अपने हाथ से चम्मच से खा पाएगा, ना ही वो खड़े होने के लिए खींचेगा, लेकिन वो अपने अकेले है जो बैठ जरूर सकता है, सिट्स अलोन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रेंसिक रिवॉर्ड। इंट्रेंसिक रिवॉर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, क्या एग्जाम्पल है, अ पैट ऑन द बैक फ्रॉम योर बॉस, एन एम्प्लॉयज फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ, अ पे राइज या फिर एन अवार्ड। तो इंट्रेंसिक अवार्ड रिवॉर्ड का मतलब है कि पेशेंट की जो एम्प्लॉय है आपका, उसको अपनी खुद की सेल्फ वर्थ के बारे में पता हो कि वो अपनी उसकी कितनी, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, वो चीज़ें क्या हैं, इंट्रेंसिक रिवॉर्ड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर डायग्नोसिस ऑफ ओबेसिटी कैन बी डन बाय कैलकुलेटिंग BMI, विच स्टैंड फॉर BMI का फुल फॉर्म पूछा है, तो वो होता है बॉडी मास इंडेक्स। मैंने लास्ट क्लास में 2nd चैनल पर इसके लिए प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, तो आप लोग जाके वहाँ पर एक बार जरूर देख लेना। नेक्स्ट वन है यहाँ पर बॉडी मास इंडेक्स के लिए क्वेटलेट इंडेक्स भी कहा जाता है, याद रखना है क्वेटलेट इंडेक्स किसको कहा जाता है, BMI के लिए ही। नेक्स्ट वन है यहाँ पर हाउ फ्रिक्वेंटली डिवॉर्मिंग इज डन फॉर एडोलेसेंट। तो एडोलेसेंट एज ग्रुप कहलाती है 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप। तो यहाँ पर डिवॉर्मिंग जो मेडिसिन दी जाती हैं, मेलबेंडाजोल, एलबेंडाजोल दिए जाते हैं, तो एडोलेसेंट में कब दिए जाने, बाय एनुअल, वीकली, एनुअली या फिर मंथली। तो एडोलेसेंट में दे सकते हैं बाय एनुअल, बाय एनुअल का मतलब है साल में 2 बार, हर 6 महीने में दी जा सकती हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर ऑल प्रेग्नेंट वुमेन नीड्स टू बी गिवन 1 tablet ऑफ आयरन फॉलिक एसिड एवरी डे फॉर एट लीस्ट 100 days, विच कंटेंस।
तो जो आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है प्रेग्नेंट वूमेन को डेली एटलीस्ट 100 दिन तक, तो इसमें जो कंटेंट है वो कितना होता है? तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो एक आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट में जो कंटेंट होता है वो होता है 100 mg एलिमेंटल आयरन एंड 0.5 mg फॉलिक एसिड। वन IFA कंटेंस 100 mg एलिमेंटल आयरन एंड 0.5 mg ऑफ फॉलिक एसिड। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, मेटफॉर्मिन बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ मेडिसिन कॉल्ड एज। तो मेटफॉर्मिन जो मेडिसिन है, क्या है यहाँ पर मेटफॉर्मिन जो कि एक मेडिसिन है, तो ये कौन सी क्लास से बिलोंग करेगी मेडिसिन के? बायगुआनाइड्स, थियाजाइड्स, सल्फोनाइल यूरियाज या फिर बीटा ब्लॉकर्स। तो यहाँ पर जो मेटफॉर्मिन मेडिसिन है, क्या है मेटफॉर्मिन मेडिसिन है, तो ये किस क्लास से बिलोंग करेगी? तो ये यहाँ पर बिलोंग करेगी बायगुआनाइड से। किससे? बायगुआनाइड से। और जो मेटफॉर्मिन है ये यूज़ किस लिए होती है? तो ये इसका यूज़ किया जाता है मेटफॉर्मिन का जो भी जनरली डाइट से रिलेटेड या फिर जो भी लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए दी जाती है, और स्पेशली मेटफॉर्मिन को यूज़ किया जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए। इसके लिए टाइप 2 डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए, और किस क्लास से बिलोंग करती है? तो ये बायगुआनाइड्स। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, क्योंकि टाइप 2 में क्या होता है ADH वैसोप्रेसिन रहेगा, तो उसी को ट्रीट करने के लिए दिया जाएगा मेटफॉर्मिन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, पर्सन और एनिमल और ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच द इन्फेक्शियस एजेंट इज ट्रांसमिटेड। तो जो यहाँ पर पर्सन एनिमल ऑब्जेक्ट हैं इन्फेक्शियस एजेंट को ट्रांसमिट करते हैं वो क्या कहलाएंगे? रिजर्वर, एजेंट, होस्ट या फिर सोर्स। तो ये कहलाएंगे सोर्स। क्या होगा? सोर्स होगा, जरिया होगा, कि वो पर्सन भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कि उस पर चिपक के कोरोना वायरस आ जाए आपके घर में, तो क्या कहलाएगा? ओरल पोलियो वैक्सीन इज। तो ओरल पोलियो वैक्सीन किस टाइप की वैक्सीन है? किल्ड वैक्सीन है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, टॉक्सॉइड है या फिर कम्बाइंड वैक्सीन है? तो ओरल पोलियो किस टाइप की वैक्सीन में आएगा? ये आएगा लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में। कौन सी वैक्सीन में? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इन अ प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी इफ रिटेंड प्लेसेंटा इज अनडिलीवर्ड आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन एंड द यूट्रस इज कॉन्ट्रैक्टेड, देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप टू बी डन। तो प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी है यहाँ पर, मान लीजिए PSC में डिलीवरी हुई है, तो रिटेंड प्लेसेंटा कंसिडर किया जाता है कि 30 मिनट के बाद भी बेबी एक्सपल्सन के विदिन 3 मिनट में क्या हो जाता है? प्लेसेंटा एक्सपेल हो जाता है। लेकिन यदि 30 मिनट के बाद भी एक्सपल्सन नहीं होता है तो उसको कहा जाता है रिटेंड प्लेसेंटा। ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर कर दिया, कॉर्ड ट्रैक्शन को भी कंट्रोल कर दिया आपने, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप अब आपका क्या होगा? फंडल प्रेशर शुड बी अटेम्प्ड, रिफर द वूमेन टू अ फैसिलिटी विच हैज इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर सर्विसेज, कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन एंड फंडल प्रेशर शुड बी अटेम्प्टेड, मोर एग्रेसिव कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन शुड बी अटेम्प्टेड। तो यहाँ पर अनडिलीवर्ड है प्लेसेंटा, क्या है? अनडिलीवर्ड है, 30 मिनट हो गए बेबी एक्सपल्सन के बाद, तब भी नहीं आए, ऑक्सीटोसिन आपने दे दिया, कॉर्ड ट्रैक्शन को भी कंट्रोल कर दिया, अब नेक्स्ट स्टेप आपका होगा क्या करना है? यदि ऐसे केस में भी जब प्लेसेंटा डिलीवर नहीं हो पा रहा है, तब आपकी जो प्रायोरिटी होगी कि वुमेन को हमें इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिकल केयर में क्या करना है? रिफ़र करना है, क्योंकि यदि प्लेसेंटा रिटेन रहता है तो बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग होने के चांसेस भी हो सकते हैं और एक इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिकल कंडीशन भी हो सकती है। तो ऐसे केस में आपकी, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी में सभी चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी, इसलिए वुमेन को हमें क्या करना है? इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर में रिफ़र करना है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द गोल ऑफ साइकोलॉजी इज टू। तो साइकोलॉजी का गोल क्या है? डिस्क्राइब, प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल द बिहेवियर, डिस्क्राइब, अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द बिहेवियर, डिस्क्राइब, मैनिपुलेट एंड कंट्रोल द बिहेवियर, या फिर डिस्क्राइब, कंपेयर एंड एनालाइज द बिहेवियर। तो साइकोलॉजी का मतलब होगा आपका यहाँ पर कि किसी भी चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है, प्रेडिक्ट करना है और अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने का काम करना है। नेक्स्ट वन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर यंग इन्फेंट मीन्स। तो यंग इन्फेंट में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब क्या है? फीडिंग द इन्फेंट विद ब्रेस्ट मिल्क एंड वाटर ओनली,
एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क फ्रॉम यंग इन्फेंट्स फीड. फीडिंग द इन्फेंट विथ एक्स्ट्रा मिल्क या फिर द इन्फेंट रिसीव्स ओनली ब्रेस्ट मिल्क एंड नथिंग एल्स. तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होगा ओनली ब्रेस्ट मिल्क, नथिंग एल्स. ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कुछ भी नहीं देना है, करेक्ट. और जब आफ्टर दैट ब्रेस्ट फीडिंग के जो खाना पीना स्टार्ट किया जाता है वो कहलाते हैं वीनिंग और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग. नेक्स्ट वन है यहाँ पर ऑस्टियोमलेशिया इज कॉज ड्यू टू द डेफिशियंसी ऑफ. ऑस्टियोमलेशिया किसकी कमी के कारण होगा, तो ये होगा विटामिन डी की कमी के कारण. नेक्स्ट वन वेक्टर ऑफ मलेरिया, तो मलेरिया का वेक्टर क्या है, फीमेल एनाफिलीज, मेल एनाफिलीज, मेल क्यूलेक्स या फिर फीमेल क्यूलेक्स. तो मलेरिया का वेक्टर क्या है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो. क्या है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो. नेक्स्ट वन पिंकिश लाइनर मार्क्स फाउंड ऑन एब्डोमिनल वॉल थाई एंड ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के टाइम पर पिंकिश टाइप की लाइनर मार्क्स देख, इनको हम स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं, तो ये देखने को मिलेंगे थाई पर, ब्रेस्ट पर, प्रेगनेंसी में. तो ये क्या कहलाएंगे, लाइना निएग्रा, स्टीरिया ग्रेविडेरम, स्टीरिया एल्बिकेंस या फिर लाइना एल्बिकेंस. क्या कहलाएंगे, कहलाएंगे आपके स्टीरिया ग्रेविडेरम. लाइना निएग्रा जो सिम्फाइसिस प्यूबस से आपकी चेस्ट के यहाँ तक जो लाइन आएगी सीधी स्ट्रेट वो कहलाएगी लाइना निएग्रा, लेकिन स्टीरिया ग्रेविडेरम जो स्ट्रेच मार्क आएंगे वो कहलाएंगे. नेक्स्ट वन है यहाँ पर डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड. तो यदि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या कहलाएगा, हाइपोक्सेमिया, हाइपरकैपनिया, हाइपोकैपनिया या फिर हाइपोक्सिया. तो यदि ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या कहलाएगा, हाइपोक्सेमिया. ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो हाइपोक्सेमिया, टिश्यू में हो रही है तो हाइपोक्सिया. हाइपोकैपनिया का मतलब CO2 का लेवल घट रहा है ब्लड में, और यहाँ पर हाइपरकैपनिया का मतलब है कि लेवल बढ़ रहा है CO2 का. नेक्स्ट वन है यहाँ पर फूड दैट कैन बी टेकन विदाउट रिस्ट्रिक्शन बाय द डायबिटिक पेशेंट आर. तो यदि पेशेंट को डायबिटीज़ है तो कौन सा फूड बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के वो खा सकता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल सलाद, राइस पोटैटो, एग येलो चिकन या फिर मिल्क कर्ड या पनीर एट्सेट्रा. पेशेंट को डायबिटीज़ है वो बिना किसी रोक टोक के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और सलाद है जो खा सकता है, बाकी राइस पोटैटो मिल्क पनीर ये सब चीज़ें नहीं ले सकता. क्यों, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट रहेगा और जिन पेशेंट को डायबिटीज़ होती है उनको कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्टेड फूड है जो दिए जाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो. तो यहाँ पर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और सलाद में आपके लिए किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा. नेक्स्ट वन स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड. तो जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, मेंसेस स्टार्ट होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, मेनार्ची. जब एग रिलीज होता है वो कहलाता है ओव्यूलेशन. मेनोपॉज का मतलब होगा परमानेंट सजेशन. पीरियड्स का आना कहलाएगा मेंस्ट्रुएशन, लेकिन पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या कहलाएगी, मेनार्ची. नेक्स्ट वन इज चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय. तो चिकन पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट क्या है, वेरिसेला वायरस. क्या है, वेरिसेला वायरस. नेक्स्ट वन है यहाँ पर द नर्स ऑब्जर्व्स द क्लाइंट्स एमनियोटिक फ्लूड एंड डिसाइड दैट इट अपीयर्स नॉर्मल बिकॉज इट इज. तो यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूड की आपको क्वालिटी पूछी है कि एमनियोटिक फ्लूड होता कैसा है. ऑप्शन में है यहाँ पर क्लियर ऑलमोस्ट कलरलेस एंड कंटेनिंग लिटिल वाइट स्पीक्स, मिल्की ग्रीनिश येलो कंटेनिंग थ्रेड्स ऑफ म्यूकस, क्लाउडी ग्रीनिश येलो एंड कंटेनिंग लिटिल वाइट स्पीक्स या फिर क्लियर एंड डार्क एम्बर इन कलर. तो यहाँ पर जो एमनियोटिक फ्लूड है, क्या है, एमनियोटिक फ्लूड है यहाँ पर. तो एमनियोटिक फ्लूड का कलर कैसा होता है, एमनियोटिक फ्लूड होता है क्लियर, कलरलेस. इसमें लिटिल वाइट स्पेक्स देखने को मिलेंगे लेकिन किसी भी कलर का नहीं होता है. यहाँ पर जो कहा है कि ग्रीनिश येलो टाइप का होगा, तो ग्रीनिश येलो होगा तो पोस्ट मैच्योरिटी के कारण होगा, बच्चा 42 वीक के बाद डिलीवर हो रहा है तब देखने को मिलेगा ग्रीनिश येलो टाइप का. यदि यहाँ पर क्लाउडी आपको देखने को मिल रहा है या फिर ग्रीन देखने को मिल रहा है तो मेकोनियम स्टैंड है, गोल्डन है तो RH इनकम्पेटिबिलिटी है. लेकिन यहाँ पर डार्क ब्राउन जो यहाँ पे कहा है एम्बर इन कलर का, तो ये क्या है, IUD इंट्रायूट्राइन डेथ के कारण देखने को मिल रहा है. एमनियोटिक फ्लूड की कलर एबनॉर्मलिटी है, लेकिन जो नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूड होता है, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि एमनियोटिक फ्लूड है जो नॉर्मली अपीयर्स नॉर्मली बिकॉज इट इज़ क्लियर कॉन्साइज ऑलमोस्ट कलरलेस एंड कंटेनिंग लिटिल वाइट स्पेक्स.
नेक्स्ट वन, इन हाउ मेनी ईयर्स इज द ऑफिशियल एन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन कैरीड आउट फॉर सेंसस। देखिए क्वेश्चन इजी है, सेंसस का मतलब है जनगणना, तो भारत की जनगणना हर कितने साल में होती है, तो इंडिया में जो जनगणना है सेंसस एवरी 10 ईयर में कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, बेस्ट एंड चीपेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, तो बच्चों में बेस्ट और चीपेस्ट इन्वेस्टमेंट है हेल्दी बच्चे के लिए वो क्या है, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, ग्रोथ कार्ड या फिर ब्रेस्ट फीडिंग। बेस्ट है और चीपेस्ट इन्वेस्टमेंट है तो वो है ब्रेस्ट फीडिंग। क्या है, एटलीस्ट माँ का दूध है जो बच्चे को 6 मंथ तक मिलता है एज़ कम्पेयर टू बॉटल फीडिंग के, बच्चों को पूरे न्यूट्रिशन हर एक चीज़ है जो अवेलेबल हो जाती है और सबसे चीप और बेस्ट तरीका है बच्चे को हेल्दी रखने का। नेक्स्ट वन, पीपल वर्किंग इन सीमेंट फैक्ट्रीज आर एट रिस्क टू डेवलप, तो ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स का क्वेश्चन है, ऑक्यूपेशनल डिसीज का। तो यदि कोई पर्सन सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसको क्या डेवलप होने के चांसेस हैं, एप्स्टोसिस, ल्यूकेमिया, सिलिकोसिस या फिर बोन मैरो डिसीज। तो यदि कोई पर्सन सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसको जो चीज़ डेवलप होगी वो क्या होगी, सिलिकोसिस। क्या होगी, सिलिकोसिस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इनवॉलंटरी साइकिल प्रोड्यूस, तो इनवॉलंटरी जो साइकिल है क्या प्रोड्यूस करेगी, ग्रोथ स्पर्ट होगा, डिले ऑफ प्यूबर्टी होगी, एस्केंटी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी या फिर हैवी एंड प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी। तो एन ओवुलेटरी जो साइकिल है इसके कारण क्या होगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, हैवी होगी, प्रोलॉन्ग्ड, जो 5 डे का पीरियड होता है वो 8 डेज 10 डेज तक भी चलेगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, लेंथनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड स्पर्ट ऑफ ब्लड फ्रॉम द वजाइना आर साइन ऑफ। देखिए लेंथनिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड है, ब्लड स्पर्ट हो रहा है वजाइना से, किसके साइन है, यूट्राइन अटोनी के, प्लेसेंटा प्रीविया के, हेमेटोमा के या फिर प्लेसेंटा सेपरेशन के। तो ये 3 क्लासिकल साइन होते हैं, एक तो होता है अम्बिलिकल कॉर्ड लेंथनिंग, ब्लड स्पॉट होना या फिर सडन गस ऑफ वजाइनल ब्लड जिसको हम टर्म यूज करते हैं, एंड यहाँ पर यूट्रस का ग्लोबुलर शेप होना, तो किसके साइन है, साइन है प्लेसेंटा सेपरेशन के। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इनसेफेलिक प्रेजेंटेशन द फीटल हार्ट साउंड्स आर हियर्ड। यदि बच्चा सिफेलिक प्रेजेंटेशन का मतलब है बच्चा का हेड डाउन है सिम्फाइसिस ट्यूबिस में, तो आप हार्ट साउंड कहाँ पर सुनेंगे, अबव अम्बिलिकस इन अपर एब्डोमेन, बिलो अम्बिलिकस इन लोअर एब्डोमेन, अराउंड अम्बिलिकस इन लोअर एब्डोमेन या फिर अबव अम्बिलिकस इन लोअर एब्डोमेन। यदि बच्चा सिफेलिक प्रेजेंटेशन और जो वर्टिक्स पोजिशन में है तो हार्ट साउंड कहाँ सुनाई देगा, बिलो द अम्बिलिकस इन लोअर एब्डोमेन। नेक्स्ट वन, एपिडेमिक अफेक्टिंग अ लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज स्केल पे लोगों को अफेक्ट करता है तो वो क्या कहलाएगा, एक्सोटिक, एंडेमिक, पेंडेमिक या फिर आउटब्रेक। तो एपिडेमिक ने यदि लार्ज स्केल पे अफेक्ट किया तो वो कहलाएगा पेंडेमिक, क्या होगा, पेंडेमिक। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ द हेल्थ ऑफ अ कम्युनिटी इज, तो मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स कौन सा है हेल्दी कम्युनिटी का पता करने के लिए, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, MMR, क्रूड बर्थ रेट या फिर क्रूड डेथ रेट। जो मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स है हेल्दी कम्युनिटी के लिए वो है यहाँ पर IMR और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, वो सबसे हाईएस्ट IMR है एट प्रेजेंट मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ डिसीज इन पॉपुलेशन इन अ जियोग्राफिकल एरिया एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड एज। अभी पूछा कि जो एपिडेमिक लार्ज नंबर पर अफेक्ट करती है तो वो गई पेंडेमिक, कब यहाँ पर कोई डिसीज है एक ही जियोग्राफिकल एरिया में अफेक्ट कर रही है तो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी एंडेमिक, क्या होगी, एंडेमिक। मान लीजिए डायरिया फैला तो वो किसी एक गांव में बस हुआ तो वो क्या हो गया यहाँ पर, एंडेमिक, लेकिन वो एक गांव से 2-3 शहरों में फैल गया तो वो होगा एपिडेमिक। अब जब वो एपिडेमिक पूरे लार्ज स्केल पे फैल जाता है तो वो कहलाएगा पेंडेमिक। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, कंगारू मदर केयर टू अ प्रीटर्म लो बर्थ वेट बेबीज इज गिवन बाय। जो KMC है, मैंने कल ही एक क्वेश्चन KMC को लेके पढ़ाया था आपके लिए कि 1 घंटे तक दी जा सकती है, लेकिन LBW जो लो बर्थ वेट बेबीज़ हैं, प्रीटम बेबीज़ हैं, उनके लिए दी जाती है। तो कौन दे सकता है, फादर दे सकते हैं, मदर दे सकती हैं, एनी ऑफ द फैमिली मेम्बर या फिर ओनली बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो कंगारू मदर केयर दी जाती है लो बर्थ वेट बेबीज़ के लिए हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए। तो ये फैमिली का जो भी हेल्दी मेम्बर है
वो दे सकता है, इवन ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, पेरेंट्स, कोई भी इसको दे सकता है। बस उसके लिए कोई भी जो डिसीज़ है, स्पेशली कंटेजियस इन्फेक्शियस डिसीज़ ना हो। नेक्स्ट वन, द साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इन चाइल्ड आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो बच्चे में डिहाइड्रेशन के साइन हैं किसी एक को छोड़कर, लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी, डायोरेसिस, डिप्रेस्ड फॉन्टेनेल एफेक्ट, सनकेन, टीयरलेस आइस। तो डिहाइड्रेशन के साइन सब हैं किसी एक को छोड़कर, तो जो नहीं है यहाँ पर वो डाई यूरेसिस। क्या होगा? डाई यूरेसिस। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ किल्ड वैक्सीन। तो इनमें से कौन सी है जो किल्ड वैक्सीन है? ओपीवी, रेबीज, एमएमआर या फिर बीसीजी। तो यहाँ पर किल्ड वैक्सीन है कौन सी है? तो वो है यहाँ पर रेबीज वैक्सीन, बाकी सभी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मेल स्टरलाइजेशन। तो मेल स्टरलाइजेशन को कहा जाता है वैसेक्टॉमी, फीमेल स्टरलाइजेशन के लिए कहा जाता है ट्यूबेक्टॉमी। साल्पिंजेक्टॉमी का मतलब है फेलोपियन ट्यूब के लिए काटना। हिस्टेरेक्टॉमी कहलाएगा यहाँ पर यूट्रस को रिमूव करना सर्जरी के थ्रू। तो यहाँ पर जो मेल स्टरलाइजेशन है वो क्या है? वैसेक्टॉमी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, सिट्रस फ्रूट्स और ऑल एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ। तो सिट्रस फ्रूट का, सिट्रस फ्रूट होते हैं जो कि मेन क्या है, सिट्रस फ्रूट में आ जाता है आपके जितने भी खट्टे फल हैं, तो मेन सोर्स किसके लिए? विटामिन सी के लिए। और सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है? आंवला में, नींबू में, ऑरेंज में। लेकिन एग्जाम में तीनों भी ऑप्शन में हो तो आपको मार्क आंवला ही करना है, जिसको हम गूसबेरी कहेंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द काउंसलिंग टिप्स फॉर एडोलोसेंट्स इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो काउंसलिंग टिप्स सभी हैं एडोलोसेंट के लिए किसी एक को छोड़कर। हैव अ पॉजिटिव आउटलुक, मेंटेन मेंस्ट्रुअल हाइजीन, अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल बिहेवियर, या फिर कीप क्लासमेट इन्फॉर्म्ड। तो यहाँ पर एडोलोसेंट काउंसलिंग जब दी जाती है तो पॉजिटिव आउटलुक के बारे में बताया जाएगा आपको, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन करना वो भी बताया जाएगा, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में भी बताया जाएगा। लेकिन आपके क्लासमेट को आपके बारे में नहीं बताया जाएगा कि आपकी जो काउंसलिंग हुई है, एडोलोसेंट काउंसलिंग आपकी हुई है 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप में, तो आपके लिए उस काउंसलर ने क्या एडवाइस दी है वो आपके क्लासमेट को नहीं बताया जाएगा। ये क्या होगा? कॉन्फिडेंशियल होगा। तो जो काउंसलिंग टिप्स होगी इसमें वो क्या होगी? कीप क्लासमेट इन्फॉर्म्ड, क्योंकि एक्सेप्ट करके क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ अ डिसीज और इंजरी इन अ पॉपुलेशन अकरिंग इन अ गिवन टाइम पीरियड इट्स कॉल्ड। तो किसी डिसीज़ के या फिर कोई भी इंजरी हुई है किसी पॉपुलेशन में, तो एक गिवन ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम पे डिसीज इंजरी है तो वो क्या कहलाएगी? सेंसिटिविटी, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, प्रेवलेंस या फिर इंसिडेंस। तो एक गिवन टाइम पीरियड पे हुआ है तो वो कहलाएगा प्रेवलेंस। इसमें जितने भी, क्योंकि यहाँ पर पूरी पॉपुलेशन इंक्लूड कर दी गई है टाइम पीरियड को लेके, अब उसमें नए केस भी ऐड हो गए, पुराने भी हो गए, तो वो कहलाएगा प्रेवलेंस। नेक्स्ट वन इज ट्रायोसोमी 21 इज। तो ट्रायोसोमी 21 का मतलब क्या है? टर्नर सिंड्रोम, गोनेडल एजेनेसिस, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम या फिर डाउन सिंड्रोम। तो ट्रायोसोमी 21 क्या कहलाती है? ट्रायोसोमी 21 कहलाएगी डाउन सिंड्रोम। ट्रायोसोमी 18 क्या कहलाएगी? ट्रायोसोमी जो 18 है कहलाएगी आपकी एडवर्ड सिंड्रोम। और जो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है, क्या है यहाँ पर? क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम का मतलब होगा XXY सिंड्रोम। क्या है यहाँ पर? XXY सिंड्रोम। लेकिन जो ट्रायोसोमी 21 है ये कहलाएगी यहाँ पर डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयोडीन फॉर नॉर्मल ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज। डेली कितने आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है नॉर्मल ह्यूमन ग्रोथ के लिए? 50 to 100 micrograms, 150 to 200 micrograms, 200 to 250 micrograms या फिर 100 to 150 microgram। तो डेली जो ज़रूरत पड़ती है क्या है? डेली जो ज़रूरत पड़ती है वो कितनी होती है? 100 to 150 micrograms। कितनी? 100 to 150 micrograms। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, फुल फॉर्म ऑफ LLIN। तो LLIN का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स। क्या है? लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स। नेक्स्ट वन है यहाँ पर,
विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनता किस देश की है, तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनता है किसकी, चाइना की, आफ्टर दैट कौन है, इंडिया, सेकेंड कंट्री पूछे तो इंडिया, हमारा भारत देश जिसमें जनता है जो बढ़ती जा रही, कंट्रोल नहीं किया गया तो चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे, लेकिन एट प्रेजेंट जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है वो क्या है, चाइना है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर HB एस्टिमेशन टेस्ट, तो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन वैल्यू के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाएगा, सोडियम क्लोराइड, N10HCl, HCl या फिर सोडियम, तो जो यहाँ पर केमिकल सॉल्यूशन यूज किया जाएगा वो होगा N10HCl हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट वन है यहाँ पर अटैचमेंट ऑफ अ मसल टू अ बोन, यहाँ पर मसल टू बोन जो अटैचमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, जो अटैचमेंट हो रहा है किसका, मसल से बोन का, तो ये क्या कहलाएगा, जॉइंट, टेंडन या फिर लिगामेंट या फिर कार्टिलेज, तो यहाँ पर जो बोन टू बोन पूछ सकते हैं आपको, या फिर मसल टू बोन, तो ये क्या कहलाएगा, जो यहाँ पर कहलाएगा, ये कहलाएगा यहाँ पर आपका टेंडन, क्या होगा, टेंडन, जिसमें मसल है जो बोन से अटैच हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका टेंडन। नेक्स्ट है यहाँ पर द सजेस्टेड डोज ऑफ विटामिन ए गिवन 9 मंथ ऑफ एजेस, तो 9 महीने की एज में, 9 महीने की एज में जो विटामिन ए का डोज दिया जाएगा वो कितना होगा, ऑप्शन में 2 लाख आयु, 1 लाख आयु, 3 लाख आयु, 50,000 आयु, तो क्या है जो यहाँ पर, कितना डोज है 9 मंथ की एज में दिया जाएगा, जो विटामिन ए प्रोफाइल एक्सेस प्रोग्राम है ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए, उसके तहत डोज दिया जाएगा कितना, 1 लाख आयु फॉर 9 मंथ एज बेबी, यदि 1 साल से ज़्यादा हो जाता है तो 2 लाख, बिफोर 6 मंथ देते हैं तो 50,000, लेकिन 9 मंथ की एज में देते हैं, 9 महीने से 12 महीने तक देते हैं तो 1 लाख। नेक्स्ट वन है यहाँ पर व्हाट आर कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ इंसर्टिंग एन इंटरवल IUCD, तो IUCD को इंसर्ट करने के लिए कौन सा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, प्रेगनेंसी, डायबिटीज, इन्फेक्शन या फिर सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर हो, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो, प्रेगनेंसी हो, इन्फेक्शन हो, तो इसमें हम IUCD इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, के पेशेंट हैं उनमें IUCD इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्क फैक्टर फॉर सर्वाइकल कैंसर एक्सेप्ट, तो सभी सर्वाइकल कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर हो सकते हैं किसी एक को छोड़कर, फैमिली हिस्ट्री, मल्टीपैराइटी, नली पैराइटी या फिर स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री, यदि फैमिली में आपकी माँ को सर्वाइकल कैंसर हुआ या फिर आपकी दादी नानी को, तो आपको चांस रहेंगे, मल्टीपैराइटी में भी होंगे, नली पैराइटी का मतलब आप कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हुए हैं तो उसमें आपको चांसेस है जो कम रहेंगे, बाकी सभी में चांस है जो आपको ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द हॉर्मोन विच रिएक्ट्स इन एन इमरजेंसी, तो इमरजेंसी सिचुएशन में करो या मरो, फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन में कौन सा हॉर्मोन एक्टिव हो जाता है, रिएक्ट करता है, तो वो होगा एपिनेफ्रिन, क्या होगा, एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ एंटीरियर फॉन्टेनेल, तो जो एंटीरियर फॉन्टेनेल है ये बाद में क्लोज होते हैं, पहले होते हैं पोस्टीरियर और ऑक्सीपिट फॉन्टेनेल, तो एंटीरियर फॉन्टेनेल क्लोज होने का टाइम होता है 1.5 साल की एज तक, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 16 to 18 months। नेक्स्ट वन है यहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज आर प्रिवेंटेड बाय यूजिंग, तो STD को ओनली एक ही मैकेनिकल और बैरियर मेथड प्रिवेंट कर सकती है, तो वो है यहाँ पर कॉन्डम, बाकी IUD, ओरल पिल्स, नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड, इन सभी से हम जो STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, उनको प्रिवेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन है यहाँ पर येलो थिक सीक्रेशन फ्रॉम द ब्रेस्ट इन द फर्स्ट 3 days ऑफ द डिलीवरी, डिलीवरी के पहले 3 दिन तक, फर्स्ट 3 days तक जो येलो थिक सीक्रेशन होगा ब्रेस्ट से, वो क्या कहलाएगा, कोलेस्ट्रम, ट्रांजिशनल मिल्क, मैच्योर मिल्क या फिर फैटी मिल्क, तो इनिशियल प्रेगनेंसी में, इनिशियल डिलीवरी के बाद जो ब्रेस्ट मिल्क रिलीज होता है, वो सीक्रेट होता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट वन बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, तो सोसाइटी की बेसिक यूनिट क्या है, पंचायत है, फैमिली है, कम्युनिटी है कि इंडिविजुअल है, तो बेसिक यूनिट यदि पूछा है सोसाइटी की तो वो क्या है, फैमिली, क्या हो जाएगा, फैमिली।
नेक्स्ट है यहाँ पर द एरिया ऑफ द ब्रेन दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेमोरी स्टोरेज इज, तो यहाँ पर जो मेमोरी हम स्टोर करते हैं तो ब्रेन का कौन सा एरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, थैलेमस, हिप्पोकैम्पस, पैराइटल लोब या फिर फ्रंटल लोब। तो ये देखिए क्वेश्चन पेपर कितना इजी आया हुआ था। तो यहाँ पर जो एरिया है मेमोरी स्टोरेज के लिए वो क्या है, वो है हिप्पोकैम्पस। यहाँ पर आई थिंक गलत टाइप, तो इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ पर मेमोरी स्टोरेज होती है। तो अभी तक आपने सेरिब्रल कॉर्टेक्स पढ़ा है, लेकिन यदि सेरिब्रल कॉर्टेक्स आपको नहीं आता है तो वो है हिप्पोकैम्पस जो कि एक्सटेंशन है टेम्पोरल पार्ट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स का। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, हिप्पोकैम्पस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द नेचुरल हैबिट इन विच द इन्फेक्शियस एजेंट रेप्लिकेट्स। तो जो नेचुरल हैबिटेट है जिसमें इन्फेक्शियस एजेंट क्या करेंगे, अपना रेप्लिकेशन करेंगे, एक से दो, दो से चार, चार से छः होंगे, वो क्या है, रिजर्वर है, होस्ट है, सोर्स है या फिर एजेंट है। तो ये है क्या, रिजर्वर, क्या हो गए, रिजर्वर। नेक्स्ट वन है यहाँ पर व्हाट आर द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो ब्लड प्रेगनेंसी में यदि बीपी बढ़ रहा है जिसमें क्लेम्सिया प्री क्लेम्सिया की सिचुएशन इंक्लूड होती है, तो कौन सा क्राइटेरिया डायग्नोस करेगा कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हुआ है। ऑप्शन में है यहाँ पर टू कॉन्सिक्यूटिव बीपी रीडिंग 120/80 mmHg टेकन 4 आवर अपार्ट आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, टू कॉन्सिक्यूटिव बीपी रीडिंग 120/80 mmHg 2 आवर अपार्ट आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। फिर यहाँ पर है कि 140/90 mmHg हर 4 घंटे में चेक किया आपने, तब 20 वीक के जेस्टेशन के बाद या फिर 2 घंटे के बाद 20 वीक के जेस्टेशन में। तो यहाँ पर जो नॉर्मली तो 120/80 होता है, लेकिन यदि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहा है तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कि जब आपने 4 आवर अपार्ट में 20 वीक के जेस्टेशन के बाद यदि बीपी चेक किया तब आपका ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg आता है, दैट मीन्स आपको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है। अब इसमें आपके एक्लेम्सिया आ जाएंगे और प्री एक्लेम्सिया आ जाएंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट, तो सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं किसी एक को छोड़कर, तो प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जो नहीं है तो वो क्या है, विटामिन है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स और विटामिन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर व्हाट आर द नोन रिस्क फैक्टर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, तो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के लिए नोन फैक्टर क्या है, डिप्रेशन, टोबैको यूज एंड एल्कोहल अब्यूज, फिजिकल वायलेंस या फिर रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर। तो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के लिए क्या है, CVS के लिए जो दो तरीके के फैक्टर होते हैं, एक तो होते हैं मॉडिफाइबल और दूसरे होते हैं नॉन मॉडिफाइबल, एग्ज़ाम में आपको आते हैं। तो जो मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसीज को लेके, तो यहाँ पर रिस्क फैक्टर होगा वो होगा तंबाकू का यूज़ करना और एल्कोहल अब्यूज़ करना। जिनको डिप्रेशन है उनको CVS के कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होने के चांसेस से रिलेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द सेकेंड डोज ऑफ TT इज टू बी गिवन आफ्टर हाउ मच टाइम आफ्टर द फर्स्ट डोज, दैट मीन्स यहाँ पर कितना गैप देंगे, इंटरवल देंगे हम दो TT के डोज के बीच में, 3 महीने का, दैट मीन्स 3 मंथ, 1 मंथ, 2 वीक्स या फिर 2 मंथ। तो यहाँ पर TT का यदि एक डोज आज लगा है, आज 25th अगस्त है, तो सेकेंड डोज हम कब देंगे, 25th सेप्टेम्बर के बाद, तो एटलीस्ट 1 मंथ का क्या देंगे हम यहाँ पर गैप देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, तो इंडिया की पॉपुलेशन का सबसे अच्छा फीचर कौन सा है, साइज ऑफ इट्स एडोलेसेंट पॉपुलेशन, डिक्लाइन इन बर्थ रेट, इम्प्रूवमेंट इन लिटरेसी लेवल या फिर इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ कंडीशन। तो इंडियन पॉपुलेशन का एक जो सबसे अच्छा फीचर है वो है यहाँ पर एडोलेसेंट पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा हिस्सा है पूरी इंडियन पॉपुलेशन का, बाकी बर्थ रेट तो बिल्कुल डिक्लाइन नहीं हो रही है, ना ही लिटरेसी लेवल बढ़ रहा है, ना ही हेल्थ कंडीशन बढ़ रही है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा साइज ऑफ इट्स एडोलेसेंट पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी का इंडिकेटर कौन सा है, दैट मीन्स साइन कौन सा है, MgSO4 ओवरडोज होता है बॉडी में आपकी यदि इंजेक्ट करने के बाद, तो कौन सा साइन देखने को मिलेगा, इंक्रीज द यूरिनेशन, ब्लड विजन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या फिर लोअर एब्डोमिनल पेन। क्योंकि इसके आगे के जो क्वेश्चन है सभी टाइप हैं, लेकिन आपके लिए क्लास बहुत लेंदी हो जाएगी, इसलिए
आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको इसका आंसर बता दिया जाएगा। कोशिश करूँगी कि कल मॉर्निंग में ही इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा 101 से 200 MCQs तक का इस पेपर का, वो आपको सॉल्व करवा दिया जाए। पेपर थोड़ा सा ऑफिशियल पेपर थोड़ा क्लियर नहीं था, इसलिए पूरे क्वेश्चन आपको टाइप करके प्रेजेंट किए गए हों। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।